पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने टीम सिद्धू का गठन करने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस के बागी नेताओं से भी मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो पंजाब के हितों के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इस दौरान आरोप लगाया कि किसानों की गेहूं की फसल 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही गेहूं 3500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेची जा रही है। सरकार को किसानों को मुनाफे का कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल जरूर देना चाहिए। मेरी मांग है और 60% आबादी लई मांग है कि भाई जदों साडी कांग्रेस दी चन्नी सरकार सी, मैं प्रधान हुंदा सी, अहीं 10 रुपये पेट्रोल डीजल दे घटाते सी, भावें सेंटर दी सरकार जिन्ने मर्जी वधाउंदी रही। ते तुसी हुण 10 रुपये डीजल घटाओ, पेट्रोल भावें 3 घटाओ 5 घटाओ, तुसी घटाओ हुण 10 रुपये डीजल। ते जदों 10 रुपये डीजल घटाओगे उहदे नाल किसान नूं कुछ राहत मिलेगी। ये गल मैं पंजाब दे लोकां नाल और सेंटर दी सरकार नूं विनम्र बेनती कर रहा, पंजाब सरकार नूं कह रहा कि एक दूजे दे उत्ते लांछन लाण नालों, गालां कढ़न नालों, ऐने हराता उन्हें हराता, असी पंजाब दे मुद्दियां दी पहरेदारी करिए।